मेरा रक्षाबंधन। एक चिड़िया अचानक से एक दिन तूफान आखिर ऐसा घिनौना काम मेरे साथ किया किसने, और ऐसा करके मुझे इन तस्वीरों को भेजने के पीछे क्या मकसद हो सकता है उसका। मुझे शिवा को सब बता देना चाहिए। इन तस्वीरों के बारे में किसी को बताने की गलती मत करना, वरना ये फोटोज इंटरनेट के जरिए सोशल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दी जाएगी, और ऐसा ना हुआ तो कल शाम आके मिलो। ये सही नहीं किया आपने, गलत, एकदम गलत, ये नहीं होना चाहिए था। आपने अभी तक साड़ी पहन के क्यों नहीं दिखाई? मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ, बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे मुझे, और ये फोन भी गिरा दिया आपने, क्या करते हो कनक जी? मैंने देखा नहीं, मैं तो मदद कर रहा था आपकी, माफ कर दो। कोई बात नहीं। देखो मारी वो लड्डू है ना रसू, वो कहती है कि जब एक बार सर टकरा जाए तो लड़ाई हो जाती है, और जब दो बार टकरा जाए तो प्यार बढ़ता है। क्या हुआ, क्या क्या हो गया? मेरा सर दुख रहा है ना, तो तबीयत ठीक नहीं लग। ओहो, सर में दर्द है आपके, इतना परेशान क्यों हो रहे? बताया क्यों नहीं, मुझे बुला लेते, अब भी कभी ठीक कर देता हूँ, झटपट आराम से यहाँ पैर फैला के लेट जाओ, लेट जाओ आराम से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुको मैं आपके लिए बाम लेकर आ रहा हूँ, रोते नहीं इतनी सी बात पे, रुको आता हूँ। ये हो रहा, आ जाओ, आपका सर का दर्द यूं मिटाऊंगा मैं, अब आंखें बंद करो और मारे को मारा काम कर देता। चलो अब आंखें बंद करो, आराम से सो जाओ, और कोई फालतू की बात ना सोचना। चलो सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूं आपके पास। कुछ पल पहले तक कितनी खुश थी मैं, आखिर किसकी नजर लग गई मेरी खुशियों को? अरे रसाल, वो कोई तोहफा नहीं था, बल्कि वो मेरे काम के कोई जरूरी कागज थे। समरसा के कागजों पे मेरा नाम क्यों लिखा है? बिजली, जब समरसा ने ये लिफाफा खोला था तो क्या तुमने देखा था इसमें कौन से कागज थे? रसाल भाई सा, कागज से याद आया, कल समरसा ने कुछ कागज जलाए थे एक बर्तन में, और उसकी राख फेंकने के लिए मुझे कहा था। राख फेंकने के लिए? अच्छा, ये मैं किचन में किसी काम से गया था तो सिगड़ी लग गई थी। कहाँ फेंकने के लिए कहा था? बिजली ने कहा था समरसा ने कागज जलाए, और मैंने समरसा से पूछा कि कालित कैसे लगी, तो उन्होंने कहा सिगड़ी से। उन्होंने झूठ क्यों बोला, चल क्या रहा है?
हेलो, यो जो तू देख रही है, जो तू समझ रही है ना, वो गलत है। तुम्हारी बात मानिए कि कुछ नहीं है, ये एक फोटो है, कोई माने है ही ना। हमारी बात समझ, हमारे पे विश्वास रख। यो क्यों गलत है? गलत है ये लाडो। लाडो मारी बात तो छोड़। लाडो रुक जा। लाडो मारी बात मान। यो फोटो जो तू देख रही है ना, इसमें कोई सच्चाई ना है, जो तू समझ रही है ना है। लाडो मारी तरफ देख। लाडो विश्वास कर मारा। लाडो तुझे मेरी कसम, रुक जा। आपको मेरी सौ है भाई साहब, जो आपने अपनी कसम देके मुझे रोकने की कोशिश की। तो क्या है ये? जवाब क्यों नहीं देते? हाँ समर सर, क्या है ये? मैंने पूछा क्या है ये समर सर? तो साल? नहीं भाई साहब, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। इस तस्वीर ने समर्थ और मेरे रिश्ते के बीच हर एक पल को झूठा बना दिया है। धोखा देके शादी की, धोखे से रिश्ता निभाया, इनका प्यार इनकी परवाह सब धोखा है। मेरे दिल मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है आपने। मेरे अस्तित्व का मजाक बना के रख दिया। आपका दिया हर जख्म देती आई। क्यों? क्योंकि मुझे लगा चकोरी माता के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच तो कुछ और ही निकला। झूठ बोला आपने, ये आपकी सच्चाई? झूठ 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 सब झूठ बोला। ए लड्डो, ए लड्डो, लड्डो नहीं है, लड्डो तू सब दूर हो जाइए मुझसे। अच्छा ठीक ठीक, लड्डो हमारी बात तो सुन, अपना नहीं तो छोटी रसू का तो सोच, आराम कर, इतना परेशान मत हो। खुद को और उस नन्ही सी जान को इतनी तकलीफ मत दे लड्डो। नहीं भाई साहब, मुझे इनसे अभी इसी वक्त इनके हाथ झूठ का हिसाब चाहिए। मेरी छत के नीचे मेरी सौतन को लाके खड़ा कर दिया और मैं सोचती रही कि ये दोनों दोस्त हैं। कितनी बेवकूफ थी मैं। साल, मेरी बात सुन। एक औरत होके दूसरी औरत का घर उजाड़ने के लिए समरसा की दोस्त बनकर आई थी ना तुम इस घर में, जरा भी शर्म नहीं आई? मुझसे नजरें मिला के मेरे पति को पाने के सपने देख रही थी? सच जानना है ना तुम्हें? मैं बताती हूँ कि सच क्या है। जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना,
झूठ फरेब धोखा ये सब तुम्हारे साथ नहीं, ये सब मेरे साथ हुआ है। ये तुम्हारा पति समर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी का वादा किया था इसने मुझसे और शादी तुमसे करके आ गया। मेरा घर तो बसने से पहले ही बर्बाद हो गया, इसलिए आई मैं इस घर में इंसाफ मांगने, अपने सपनों का, अपने प्यार का हिसाब करने। लेकिन क्या हुआ, इन सबने मेरा मुंह बंद कर दिया। बस ये प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, विश्वास, ये सारे शब्द अरे मुंह पे जो बाणा देते। सच तो ये है कि तुमने कभी समरसा से प्यार किया ही नहीं। तुम समरसा की जिंदगी में सिर्फ चकोरी मासा का बिठाया एक मोहरा थी और कुछ नहीं, जिससे वो इस बड़पना काबू करके रख सके। और तुम्हारा इस हवेली में आने का जो मकसद है ना, मैं बताता हूँ, अपना प्यार व्यार बढ़ाना है। तुम आई हो ताकि हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा कर सको, हमारे परिवार को बर्बाद कर सको। मेनका को चुप कराने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना भाई साहब, वो तो पराई है, धोखा तो मुझे अपनों ने दिया है। मेरी गृहस्थी बर्बाद करने के पीछे जितने जिम्मेदार समरता है, आप भी उतने ही दोषी हैं। मेरे और समरता के रिश्ते को बचाने के लिए आपने मेनका से ब्याह कर लिया, अपनी गृहस्थी भी उजाड़ डाली। और आपको क्या लगता है ये सब जानकर मैं समरता के साथ खुशी खुशी रह पाऊंगी? आपके इतने बड़े बलिदान से मुझे खुशी मिलेगी? आपके इस बलिदान के बदले मुझे खुशी नहीं, जिंदगी भर का दर्द मिला है भाई साहब। इस बात को कैसे साबित करेंगे अब आप? जवाब दीजिए भाई साहब। अरे चकोरी रानी, अरे कौन सा बारूद फेंका है वहां से जो हवेली में धमाका हो गया है? धमाका नहीं मूंग सिंह, ये तो आने वाली भयंकर भवंडर का संकेत है। और मेरे लिए आने वाली राहत की शुरुआत। जैसे जैसे मैं यहाँ से बम के गोले गिराते रहूंगी ना, मुझे फोन करके धमाके की आवाज सुनाते रहना। हाँ करता रहूंगा, पर मैं ना थारे को खबरें ना थोड़ी आराम आराम से दूंगा बीच में कभी कभी। ओके है ना, शिवराज जो है ना वो मारे पे 24 घंटे नजर रखता है, अरे चील की नजर है उसकी, कहीं से भी देख लेता है। चिंता ना कर मुंह से, बस थोड़े दिनों की बात है। वैसे भी उसके जिंदगी में जल जलाने की शुरुआत मैंने कर दी है। अब फोन रखूं मैं? पागल है ये औरत, मारी चकोरी रानी। इतना बड़ा बलिदान, सच तो सामने आ ही गया ना, बचा पाए मुझे इस सच और दर्द से। कब तक आप यूं ही खुद को तकलीफ देते रहेंगे? आखिर मुझे भी तो लड़ना सीखना ही होगा ना भाई साहब। कब तक मुझे बचाते रहेंगे? जब तक मरीसा से चलेंगे तब तक। तूने भी तो हमारी गृहस्थी बचाने के लिए जहर का घूंट पिया था ना, समरसा से ब्याह करके। मैंने भी बस अपना फर्ज निभाया लाटू, ताकि तेरा और छोटी रसू का भविष्य संवार सकूं।
सही कह रही हो रसाल, मैं सच में एक बहुत बुरा इंसान हूँ जिसने सब कुछ जानते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए शिवा को इतना बड़ा बलिदान करने दिया। आज तक जो भी बिगड़ा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। लेकिन ये भी एक सच है कि मेरे दिल में किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ तुम और मेरा होने वाला बच्चा है। लाटो, समरसा सच कह रहे हैं, वो बदल चुके हैं। और सुबह का बूला जब शाम को घर लौटा है ना, तो उसे माफ कर देते हैं। समरसा को मेड़का की पूरी सच्चाई समझ आ चुकी है, वो जान चुके हैं कि ये इनकी जिंदगी में क्यों आई थी। अब तू भी सारी बातों को भुला दे, एक नई शुरुआत कर लेना। नहीं, नहीं भूल सकती। एक पत्नी कभी नहीं भूल सकती कि उसके पति ने उसे धोखा दिया। कोई और बात होती ना तो कब का भुला चुकी होती, लेकिन ये कभी नहीं भूलूंगी। लड्डो, नहीं भाई साहब, जैसे समर साहब बदल चुके हैं ना, वैसे ही आपकी रसू अब वो कमजोर रसू ना रही, इसलिए अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगी। जब आज एक औरत के सिंदूर पर आती है ना भाई साहब, तो टूट के बिखरना उसका हल नहीं होता। मजबूती के साथ आत्मसम्मान संभाल के रखा जाता है। भरोसे की डोर टूटी है भाई साहब, उसे जितना जोड़ने की कोशिश करेंगे उसमें गांठें बनती जाएंगी। और कल को आप भी तो नहीं चाहेंगे ना भाई साहब कि जब छोटी रसाल इस दुनिया में आए तो वो अपने बाप को एक झूठा इंसान समझे। है ना भाई साहब, इसलिए अब आप अपनी जुबान से नहीं मुकरेंगे। लड्डो रोक, लड्डो रुक जाइए भाई साहब। क्या कर रही है तू? आप चाहते हो ना कि छोटी रसाल कभी भी ये ना समझे कि उसके पिता कितने कमजोर और झूठे इंसान थे। मेरी आप लोगों से विनती है कि अब आप इस कमरे में तभी आएंगे जब मैं आपसे आने के लिए कहूंगी। अच्छा, मैं जानता हूँ कि तू भाई साहब से नाराज है, बहुत गुस्से में है शायद, पर यूं निकालेगी गुस्सा। हम दोनों के बीच में ये बंटवारे की लकीर खींच के, क्योंकि तू अच्छी तरह जानती है कि भाई साहब थारे बेड़ा जी नहीं सकता, इसलिए ये कर रही है तू। आपसे नाराज होके मैं कहाँ जाऊंगी भाई साहब, मैं भी तो ना जी पाऊंगी, पर जीना सीखना होगा आपको भी और मुझे भी।
ताकि आप ये समझ सको कि मैं अब कोई छोटी बच्ची ना हूँ जिसको हर बार आपके सहारे की जरूरत पड़े, जिसके लिए आपको बार बार उसकी ढाल बनकर खड़ा होना पड़े। आप मेरा सहारा बनके मुझे कमजोर बना रहे हो भाई साहब। अगर माँ बाप बच्चे की उंगली ना छोड़ेंगे तो वो खुद से चलना कैसे सीख पाएंगे? मुझे भी खुद से चलना सीखना होगा भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं गिर जाऊंगी, लड़खड़ाऊंगी, पर एक ना एक दिन तो चलना सीख जाऊंगी ना भाई साहब। आपको मुझ पे ये भरोसा जताना होगा भाई साहब। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, तुझे मजबूत बनना है ना, तू बन मजबूत। मैं नहीं टोकूंगा तुझे, लड़ाई रोकूंगा तुझे तेरे फैसलों में, लेकिन एक बात बता दूं, ये जो तू रास्ता चुन रही है ना, गलत रास्ता है ये ठीक नहीं कर रही तू। ये लकीर इसीलिए है पैसा, ताकि मैं जिंदगी में अपने फैसले खुद ले सकूं। मैं हाथ छोड़ती हूँ आपसे, मेरी ताकत बन जाइए, मेरी कमजोरी नहीं।